अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू लेक्चर ऑफ कंप्यूटर साइंस सेकंड ईयर। स्टूडेंट्स, आज हम सेकंड ईयर का चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं। और चैप्टर 5 में सबसे पहले हम ओवरव्यू लेंगे किसका, एमएस एक्सेस का। थोड़ा सा ओवरव्यू लेंगे और उसके बेनिफिट्स डिस्कस करेंगे। एमएस एक्सेस क्या है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। ओवरव्यू लेते हैं। अब ये क्या है? एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, पावरफुल DBMS। मतलब क्या कि डेटाबेस को मैनेज करने के लिए ये फैसिलिटीज़, ये फीचर्स प्रोवाइड करते हैं, वो बहुत पावरफुल होते हैं। तो हम कहते हैं हमारे पास जो एमएस एक्सेस है वो क्या है? पावरफुल DBMS है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। फिर हमारे पास इस क्या आते हैं, एमएस एक्सेस को यूज़ करते हुए बहुत से अलॉट ऑफ फीचर्स हैं जो कि हमें क्या करते हैं, आसानी प्रोवाइड करते हैं, ईजीनेस होती है हमें कि हम अपने रिक्वायर्ड टास्क परफॉर्म कर सकें। थर्ड वन है हमारे पास RDBMS। RDBMS स्टैंड्स फॉर, DBMS स्टैंड्स फॉर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, एंड R स्टैंड्स फॉर रिलेशन। मतलब हम अपने रिलेशंस को क्या करते हैं, टेबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को यूज़ करते हुए। तो हम क्या कहते हैं कि हमारे पास कौन सा फीचर है एमएस एक्सेस में रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का। और क्या है, जब हमारे पास पावरफुल DBMS है, अलॉट ऑफ फीचर्स हैं, तो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का भी फीचर है, तो हम क्या कहते हैं कि ये क्या है, ईजी टू यूज़ है। नेक्स्ट देखते हैं इसके कुछ बेनिफिट्स। अब ये बेनिफिट्स कौन से प्रोवाइड करती है हमें एमएस एक्सेस, ये क्या है? पहला हमारे पास बेनिफिट है कि सैम्पल डेटाबेस एप्लीकेशन फॉर यूज़र। जब इसको इंस्टॉल करते हैं हम एमएस एक्सेस को, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट हमें क्या करती है, अगर हमने डेटाबेस, ऑब्वियसली डेटाबेस को हमने यूज़ करना है, DBMS है, डेटाबेस को मैनेज करना है, तो ये कुछ हमें सैम्पल डेटाबेस बाय डिफ़ॉल्ट प्रोवाइड करती है। उसमें हम क्या करते हैं, टेबल्स, क्यूरीज, फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स को ईजिली मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, विजर्ड। विजर्ड का क्या मतलब होता है, मैजिकल सारे टास्क परफॉर्म करना। तो विजर्ड क्या है, मैजिकल कंपोनेंट ऑफ MS Access। MS Access का क्या है, एक मैजिकल कंपोनेंट है। इसका क्या मतलब है कि इसमें क्या है, स्टेप वाइज गाइडेंस फॉर कॉम्प्लेक्स टास्क। अगर हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स टास्क आ जाता है, कोई कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है, तो हमारे पास क्या है, ये एक स्टेप वाइज गाइडेंस प्रोवाइड करता है। मीन्स कोई ऐसा टास्क है जो हम कोई यूज़र फर्स्ट टाइम परफॉर्म कर रहा है और इसे क्या है, कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है, तो वो क्या है, एक विजर्ड का बेनिफिट है हमारे एमएस एक्सेस में कि वो ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है एमएस एक्सेस की, उसे जो भी टास्क परफॉर्म करना है उसे गाइडेंस प्रोवाइड करता है हमारा एमएस एक्सेस। और ये भी नहीं होता कि रैंडम गाइडेंस होती है, स्टेप वाइज गाइडेंस होती है। इस वजह से हम कहते हैं कि हमारा क्या है, ये विजर्ड का बेनिफिट है हमारे एमएस एक्सेस में। नेक्स्ट है कीज़ टू अंडरस्टैंड स्ट्रक्चर ऑफ रिलेशन इन ग्राफिकल फॉर्म। अब बहुत सी ऐसी हमारे पास होती हैं लैंग्वेजेस यूज़ कर लें, बहुत सी एप्लीकेशंस होती हैं कि हमें जो स्ट्रक्चर होता है वो ऐसे इंस्ट्रक्शंस की फॉर्म में नज़र आ रहा होता है, बहुत सी क्यूरीज होती हैं, कोड्स होते हैं जो हमें समझ नहीं आ रहे होते हैं। लेकिन अगर हमारे पास GUI हो, मतलब ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस हो, ग्राफिकल फॉर्म में हमारे पास रिलेशन के स्ट्रक्चर हों, तो वो हमें ईज़िली अंडरस्टैंडेबल होते हैं। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, ईज़िली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करने के लिए हमारे पास ग्राफिकल फॉर्म में कीज़ अवेलेबल होती हैं। वो किस चीज़ के लिए हेल्पफुल होती हैं, हेल्पफुल इन क्रिएटिंग एंड व्यूइंग रिलेशंस। हम रिलेशंस को क्रिएट कर सकते हैं और क्रिएट करने के बाद व्यू कर सकते हैं ईज़िली। कोई इनएक्सपीरियंस्ड पर्सन भी एमएस एक्सेस को इजीली यूज़ कर सकता है। नेक्स्ट क्या है, एमएस ऑफिस इंटीग्रेशन। ऑफिस एप्लीकेशंस होती हैं हमारे पास, वर्ड, एक्सेल, उसको हम इंटीग्रेट कर सकते हैं अपने एमएस एक्सेस में। ईमेल मर्जेस यूज़ कर सकते हैं, चार्ट्स को यूज़ कर सकते हैं। मीन्स एमएस एक्सेस को हम ऑफिस एप्लीकेशंस के साथ इंटीग्रेट करके अपने रिक्वायर्ड टास्क के लिए ईजिली यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, ईजियर प्रोग्रामिंग। सिंपल कोड्स होते हैं इसमें, ठीक है, VBA फॉर लिटल बिट कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन। अगर हमने कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशंस के लिए यूज़ करना है एमएस एक्सेस को, तो हमारे पास VBA मतलब विजुअल बेसिक एप्लीकेशंस अवेलेबल होती हैं। अब हमने कहा कि ग्राफिकल फॉर्म में हमारे पास रिलेशन का स्ट्रक्चर होता है, तो जो VB होती है हमारे पास, विजुअल बेसिक जो लैंग्वेज है, उसमें कोड्स क्या होते हैं, ग्राफिकल फॉर्म में होते हैं। हम सिंपल यूज़ कर सकते हैं उसे, ड्रैग ड्रॉप करके यूज़ कर सकते हैं अपने। सिंपल कोड्स होते हैं हमारे पास, कोई स्क्रिप्ट नहीं होते। नेक्स्ट क्या है, कॉमन स्टैंडर्ड्स फॉर अनदर एप्लीकेशंस। दूसरी एप्लीकेशन के साथ जब हम इंटीग्रेट करते हैं, तो ऑब्वियसली हमें क्या चाहिए, कॉमन स्टैंडर्ड चाहिए, जो हमारे एमएस एक्सेस में भी हो, एमएस एक्सेस के एप्लीकेशन में भी हो, और जो अनदर एप्लीकेशन हम यूज़ कर रहे हैं उसमें भी हो। तो हमारे पास स्टैंडर्ड जो हैं वो क्या होते हैं, कॉमन होते हैं, दोनों में ईजिली परफॉर्म कर सकते हैं हम। इसके अलावा क्या है, इसमें लैंग्वेज कौन सी होती है, SQL।
SQL स्टैंड फॉर स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज, किस में यूज़ कर सकते हैं, MS Access में भी और एस, क्योंकि ये रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम भी है तो हम RDBMS के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज हमने पहले भी डिस्कस किया है, पहले में कि SQL को स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज क्यों कहते हैं। नेक्स्ट है रिडंडेंसी। रिडंडेंसी क्या होती है? डुप्लीकेशन, एक चीज़ का दो बार तीन बार मतलब एक से ज़्यादा बार क्या हो जाना, अक्कर हो जाना, उसको हम क्या कहते हैं कि रिडंडेंसी आ रही है, डुप्लीकेशन आ रही है। तो ये क्या है? स्टोर डेटा विदाउट रिडंडेंसी हमें जो MS Access है रिडंडेंसी से बचाती है। ये रिडंडेंसी हमारे डेटा में नहीं आती, हम इजीली अपना डेटा स्टोर कर सकते हैं। स्टोरिंग स्ट्रॉन्ग मैनिपुलेशन एनालाइजिंग इन्फॉर्मेशन, हम अपनी इन्फॉर्मेशन को ईजिली क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, तो रिडंडेंसी नहीं आती, डुप्लीकेशन नहीं आती। तो ये थे इसके MS Access के ओवरऑल बेनिफिट्स। पहले हमने क्या देखा, ओवरव्यू देखा, मतलब क्या है, फर्स्ट हमारा था कि एक पावरफुल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है? ऐसा सिस्टम, ऐसा मैनेजमेंट सिस्टम जो किसको मैनेज कर रहा हो, डेटाबेस को। ये इसलिए ओवरव्यू जस्ट इतना बता रही हूँ क्योंकि लास्ट चैप्टर्स में हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को देन रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को बहुत ही डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्या है कि ये क्या है, अलॉट ऑफ फीचर्स अवेलेबल होते हैं, और जब अलॉट ऑफ फीचर्स हमारे पास हों, हम कोई भी रिक्वायर्ड टास्क इजीली परफॉर्म कर सकें, तो क्या होता है कि वो एप्लीकेशन हमारी इजी टू यूज़ होती है। फिर हमने बेनिफिट्स देख लिए कि इसमें बाय डिफ़ॉल्ट ऑलरेडी सैम्पल डेटाबेसेस अवेलेबल होती हैं। विजर्ड क्या होता है? मैजिकल कंपोनेंट्स होते हैं, हमें गाइडेंस प्रोवाइड होती है, कीज़ टू अंडरस्टैंड स्ट्रक्चर, हम रिलेशन्स के स्ट्रक्चर को, क्योंकि ये रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है तो ऑब्वियसली हमारे पास क्या होंगे, रिलेशंस होंगे, टेबल्स होंगे, उसके स्ट्रक्चर को ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करती है। तो ये क्या है, हेल्पफुल होती है किस चीज़ के लिए, क्रिएटिंग एंड व्यूइंग रिलेशनशिप्स, हम जो एंटिटीज़ और उनके एट्रीब्यूट्स को रिप्रेजेंट करते हुए जो रिलेशनशिप बनाते हैं उनके लिए क्या है, हेल्पफुल है क्रिएट करने के लिए भी, और क्रिएट करने के बाद मैनिपुलेट करने के लिए भी, एनालाइज करने के लिए भी, और व्यू करने के लिए भी। नेक्स्ट है कि हम MS Access को MS Office के साथ, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के साथ, उसके एप्लीकेशन लाइक वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, उनके साथ क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं, ईमेल मर्ज कर सकते हैं, चार्ट्स यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है ईजियर प्रोग्रामिंग, मीन्स इसमें कोई स्क्रिप्ट्स नहीं होते, सिंपल कोड्स होते हैं, VBA यूज़ होती है, VBA एप्लीकेशन होती हैं, विजुअल बेसिक एप्लीकेशन यूज़ होती हैं, जिसमें क्या होता है, विजुअल बेसिक हमारे एक ऐसी लैंग्वेज होती है जिसमें हम स्क्रिप्ट्स नहीं लिखते, कोड्स नहीं लिखते, बल्क ऑफ कोड्स हमारे पास यूज़ नहीं होता, सिंपल क्या होते हैं, हमारे पास कंपोनेंट होते हैं और हमें क्या करना होता है, ड्रैग ड्रॉप करके हम उसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, कॉमन स्टैंडर्ड्स यूज़ होते हैं दूसरी एप्लीकेशन के साथ, हमने यूज़ किया VBA को यूज़ किया, SQL यूज़ होती है। नेक्स्ट क्या है कि हम अपना डेटा विदाउट रिडंडेंसी स्टोर करवा सकते हैं, हमारी डेटा की, हमारी इन्फॉर्मेशन की रिडंडेंसी मतलब डुप्लीकेशन नहीं होती, विदाउट डुप्लीकेशन हम अपना डेटा स्टोर करवा सकते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने देखा MS Access को, देखा उसका ओवरव्यू लिया और उसके बेनिफिट्स डिस्कस किए। सी यू नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह, फी अमान अल्लाह।